जय हिंद दोस्तों, मैं आपको महाराष्ट्र के संबंध में गणपति फेस्टिवल, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, त्यौहार है, उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने गणपति पंडाल में फिजिकल दर्शन की परमिशन नहीं दी है, यानी आप कोई भी गणपति पंडाल में जाकर फिजिकल दर्शन नहीं कर सकते, यानी आप वहाँ जाकर दर्शन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने जो भी पंडाल ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्हें कहा है कि आप ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करें, ताकि लोग घर से ही दर्शन कर लें बप्पा के। जो मैक्सिमम हाइट जो डिसाइड की गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, वो है 4 फीट। उससे ज़्यादा कि आप गणपति नहीं बिठा सकते हैं पंडाल में, और घर के लिए 2 फीट की गणपति की परमिशन है। ऑब्वियसली क्राउड करना मना ही है, यानी इस साल भी गणपति का त्यौहार हम सबको सादगी से ही मनाना है, जिस तरह से ईद मनाई गई और जिस तरह से अन्य त्यौहार मनाए गए, तो इस साल गणपति का त्यौहार सादगी से ही मनाना है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है, और ये भी कहा गया है कि हो सके तो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में विसर्जन करें आप। अगर मैं मीरा भाईंदर की बात करूँ, तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा बहुत सारे श्री गणेश मूर्ति स्वीकृति केंद्र बनाए गए हैं मीरा भाईंदर के अलग अलग एरियाज में। तो कहीं ना कहीं कोरोना के प्रादुर्भाव को देखते हुए, कि कहीं कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ ना जाए फिर से, उसको कंट्रोल में रखने के लिए सरकार ने ये सब निर्णय लिए हैं। और मैं भी आप सबसे यही अपील करूंगा कि जितना हो सके गाइडलाइंस का पालन करें, और आप सभी को गणेश चतुर्थी की एडवांस में शुभकामनाएं। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।